Turn with me in your Bibles to the book of Genesis 1 and verses 1 onwards. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके पहले वचन से. In the beginning God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. The earth was without form and void and darkness was on the face of the deep. और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे पानी के ऊपर अंधियारा था. And the spirit of God was hovering over the face of the waters. और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था. Verse 3. तीसरा वचन. Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, Let there be light. उजियाला हो जाए. And there was light. और वहाँ उजियाला हो गया. The first thing, write this down. पहली चीज़ लिख लीजिए इसे. You see, in the very first verse, आप देखते हैं पहले ही वचन में, we see the Father, the Son, and the Holy Spirit. हम देखते हैं पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को. Everyone say the Father. सभी लोग कहें. The Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. So in the very first verse. पहले ही वचन में we see the Father, we see the Son, and we see the Holy Spirit in the very first verse of the Bible. और देखिए बाइबल के सबसे पहले वचन में हम पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं और पवित्र आत्मा को देखते हैं. The second thing I want to bring out is this. और दूसरी चीज जो मैं पेश करना चाहता हूँ वो ये है. Go to verse 2 right now. दूसरे वचन में देखें इस वक्त. He says the Spirit of God was hovering over the face of the waters. वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह के ऊपर मंडरा रहा था. The first thing. पहली चीज. Was the spirit of God was hovering? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था. How many understanding this truth? कितना सुनते हैं समझ रहे हैं कि यह सच है. Before you pray, आपके प्रार्थना करने से पहले, the Holy Spirit must be invited. पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया जाना जरूरी है. Before you read the Bible, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, you must invite the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना चाहिए. You see, even before God spoke, और देखिए परमेश्वर के बोलने से पहले ही, the Holy Spirit was moving. परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था. You see, many people today they are praying. देखिए आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं. But their praying is not spirit filled. It is just in the flesh. और देखिए लेकिन उनका प्रार्थना करना आत्मा से भरा हुआ नहीं होता है, वे तो बस शरीर में करते हैं. When you start intercession, जब आप प्रार्थना विनती शुरू करते हैं, you must say Holy Spirit. आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा. Sing a song to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए कोई गाना गाएं. Say Holy Spirit. बोलिएगा पवित्र आत्मा. Take charge over the intercession. प्रार्थना विनती पर नियंत्रण ले ले. Take charge over the people, even me, Lord. Take charge over us. और मुझ पर जो आए हुए लोग हैं उन सब पर नियंत्रण ले प्रभु. The spirit of God must hover on a place. The spirit of God must hover on the people, and then you start speaking. परमेश्वर का आत्मा देखे उस जगह पर नियंत्रण लेना चाहिए, लोगों पर नियंत्रण लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रार्थना करनी चाहिए. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? You go in a place. आप किसी जगह पे जाते हैं. In your office. आपके ऑफिस में. Invite the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें. Say Holy Spirit. आपको कहना पवित्र आत्मा. I surrender this office to you. इस ऑफिस को मैं आपके हवाले करता हूँ. Today. आज I will see promotions, I will see favor in my job, in my workplace, in my business, in the name of Jesus. Can I have a good amen there? मैं right अपने नौकरी में, अपने कार्यस्थल में, अपने व्यवसाय में मैं समृद्धि को देखूंगा, बढ़ोतरी को देखूंगा यीशु के नाम में. In the morning, सुबह में, first thing in the morning, सुबह सुबह पहली चीज, Holy Spirit, आपको कहना है पवित्र आत्मा, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, move over my house, मेरे घर पर मंडराने लग. So you see, it is very important. तो आप देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये. Many years ago, कई साल पहले, somebody asked Pastor Benny Hinn. किसी ने पासबान बेनी हिन जी से पूछा, How come? कैसे हैं? So many miracles happen. कई सारे आश्चर्य होते हैं. And he said. तब उन्होंने कहा. He said, I will always invite the Holy Spirit first. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पवित्र आत्मा को सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ. And when I see the Holy Spirit moving upon people. और जब मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है, That's the time. उस समय पर, I start praying for the sick. मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता हूँ. I start praying for deliverance. छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ. And that is why. और इसी वजह से, the miracles happen. आश्चर्य होने लगते हैं. Pastors, leaders. पासबानों, अगुवों. Whenever you are praying for people. जब कभी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, Just say Holy Spirit. आपको कहना है पवित्र आत्मा. I invite you right now. मैं आपको आमंत्रित करता हूँ. Move upon these people. इन लोगों पर मंडराओ. And then start praying for healing. Then start praying for deliverance. How many of you are receiving this today right now? उसके बाद आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी, उसके बाद आपको छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? The Bible calls the Holy Spirit the Father of spirits. और बाइबल पवित्र आत्मा को आत्माओं का पिता कहता है. When the Father comes, जब पिता आता है, all the little fellows have to run away. तब उसके बाद सारी छोटी-छोटी चीजों को भागना ही होगा. When the Father comes, जब पिता आता है, every demon has to check out one way. हर दुष्ट आत्माओं को बस निकलना ही पड़ेगा. In the name of Jesus, यीशु के नाम में, lift your hand and say, Holy Spirit. अपने हाथ उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा. Move in my life. मेरी जिंदगी में मंडरा. Move in my family. मेरे परिवार पर मंडरा. Move in my home today. मेरे घर में मंडरा आज. In the name of Jesus, यीशु के नाम में.
the verse 2, see what it says. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह के ऊपर मंडरा रहा था. This is the first manifestation of God, the Spirit of God moving upon the face of the और हम देख सकते हैं परमेश्वर के आत्मा का पहला प्रगटीकरण यहाँ पर यह था कि परमेश्वर का आत्मा पानी की सतह के ऊपर मंडरा रहा था. And then verse 3 says. फिर उसके बाद तीसरा वचन कहता है. Then everyone say then. फिर. Then God said. फिर परमेश्वर ने कहा. Now please understand this. अब समझिए इसे. Whenever the Spirit of God moves, देखिए जब कभी परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, that time you must speak the word. उस वक्त आपको वचन बोलना चाहिए. Said everyone, God spoke. सभी लोग कहें, परमेश्वर ने बोला. You know when God spoke, the Bible says light came into existence. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि जब परमेश्वर ने बोला, तब उजियाला जो है वो अस्तित्व में आया. God's words are His creative power through which everything is manifested. परमेश्वर का वचन उसकी रचनात्मक सामर्थ्य है जिसके जरिए सब कुछ प्रगटीकरण में आया है. Say it after me. God's word is His creative power. परमेश्वर का वचन उसकी रचनात्मक सामर्थ्य है. That's why the prophetic word is so powerful. You speak it and it happens. और इसी वजह भविष्यवाणी का वचन बहुत सामर्थ्यशाली होता है. आप बोलते हैं और वो हो जाता है. That's why God's word is so powerful. इसी वजह से परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्यशाली है. This is why also you must never underestimate the power of words over your life. और इसी वजह से वचनों की जो सामर्थ्य, जो शब्द आप बोलते हैं, उसकी सामर्थ्य को अपने जिंदगी पर कभी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. In this year 2020 and beyond, you must be careful of the words you speak over your life, over your family members. Can I have a good amen again? और देखिए इस 2020 के साल में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि किस प्रकार के शब्द आप अपने मुंह से अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने परिवार पर बोलते हैं. You just can't speak any rot over you, over your family members. You can't do that. और कोई भी बेतुका का शब्द जो है आप अपनी जिंदगी पर या अपने परिवार पर आप बोल नहीं सकते हैं. You can't speak like words, I don't think I'm going to make it, man. और कभी ऐसा मत बोलना कि मुझे नहीं लगता मैं कामयाब हो सकूंगा. How many of you spoken like that? कितने लोगों ने बोला है ऐसे? See? देखो. I don't know, nothing is going to happen. I feel like that. Listen, who cares about your feelings? मुझे कुछ होने वाला है. इसे परवाह की क्या आपको महसूस होता है? Your feelings change. आपका महसूसीकरण बदल जाती है. But heaven and earth shall pass away, His word shall not fail. लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा. So the first thing. तो पहली चीज. Fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आपको संगति करनी है. This year. इस साल. You know, you must learn to fellowship with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करने को सीखना है. कैसा आदमी? अच्छा आदमी है. कैसी है? अच्छी है. लेकिन किधर नहीं जा रही? उधर ही ठप, पांच साल से उधर ही है. Because you're not fellowshipping with the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करते हैं. The Holy Spirit is the fuel. The Holy Spirit is the power of God. Come on, somebody. पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य. पवित्र आत्मा परमेश्वर का ईंधन है. Lift your hand and say, Holy Spirit. सुनिए ध्यान से. अपने हाथ लगाकर पवित्र आत्मा. Please come. मेहरबानी करके आ जा. Use me for your glory. तेरी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल कर. Now when you're filled with the Holy Spirit. और देखिए जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं. That's where you start speaking. वहीं पर आप बोलने लगते हैं. Now look in your hands. अब अपने हाथों को देखिए. And say in 2020. अब बोलिए 2020 में. The work of my hands is going to exceedingly prosper, abundantly prosper in Jesus' name. इस 2020 में मेरे हाथ के काम बहुत आयस से समृद्ध होंगे यीशु के नाम में. Said everyone. Then. फिर. God said. परमेश्वर ने बोला. Let there be light. उजाला हो जाए. Go with me. Are you following me right now? Okay, समझ रहे हैं इस बार? You know many people they are into confessing the word of God but they don't know how to do it. और देखिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के अंगीकार की प्रक्रिया तो अपनाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे करना होता है. Go to Hebrews 1 and verse 3. और निकालिए इब्रानियों की पत्री में उसका पहला अध्याय तीसरा वचन. So today I'm teaching you how to confess the word of God and why you need to confess the word of God exactly, you know. तो आज आपको सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर के वचन को आपको क्यों अंगीकार करना चाहिए और कैसे आपको अंगीकार करना चाहिए. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Who in speaking about Jesus, who being the brightness of His glory and the express image of His person, upholding all things by the word of His power. देखिए वचन ऐसा कहता है वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है. How does he hold all things? कैसे वो सब वचन सब चीजों को संभालता है? By the word of His power. अपने वचन की सामर्थ्य के जरिए. New Living Translation says in a nice way. It says He sustains. Everyone says sustains everything by the mighty power of His command. In other words, His word.
और देखिए वो हर एक चीज को संभाले रहता है अपने वचन की सामर्थ से. That's why it's important to speak faith-filled words. और इसी वजह जरूरी है कि विश्वास से भरे हुए के वचनों को आप बोलें. You see, everything responds to the word. और आप देखते हर एक चीज जो है वचन का शब्दों का जवाब देती है. Jesus proved it in the word of God. और यीशु ने परमेश्वर के वचन में ये साबित करके दिखाया. There was a storm. वहां पर तूफान था. He said he spoke to the storm. और उसने तूफान से बोला. He didn't speak to the father. उसने पिता से नहीं बोला. Already in the morning he had spoken. और सुबह पहले से ही उसने पिता से बोल रखा था. Your effectiveness to deal with circumstances will depend on two things: you speaking to the father and you speaking to it in Jesus' name. और हालातों पर देखिए आपकी कामयाबी इस बात पर टिकी हुई है दो चीजों पे. सबसे पहला यह है कि आप पिता से बोलते हैं और दूसरा उस वस्तु से बोलते हैं. We do it reverse. हम उसके उल्टा करते हैं. When we speak, when there are circumstances in front of us, we don't speak to the circumstances. God showed me. We speak to the Lord. Oh God, what is this? और देखिए जब हमारे सामने हालात खड़े हो जाते हैं, तो देखिए हम हालातों से नहीं बोलते, हम परमेश्वर से कहते हैं, पिता ये क्या है? And when we have to speak to the Father, और जब हमें पिता से बोलना है, we are speaking to hello hi. तब हम hello hi करते रहते हैं. WhatsApp. Reverse. उल्टा. First you speak to the father. पहले आप पिता से बोलते हैं. And then. और फिर. In the day. दिन में. Speak to everything. हर एक चीज से बोलना शुरू करें. Sickness come out. बीमारी बाहर आ. Devil. शैतान. Get lost. निकल जा. So you see everything responds to the word. तो आप देखते हर एक चीज जो है शब्दों का जवाब देती है. You have to speak the word. आपको वचन बोलना ही चाहिए. Tell somebody faith-filled words. किसी को छूकर कहें विश्वास से भरे वचन. Say it everyone. Your mouth is an instrument of life. आपका मुंह जीवन के लिए साधन है. Write this down. लिख लीजिए. My mouth was not given to me only to eat. लिख लीजिएगा कि मेरा मुंह सिर्फ मुझे खाने के लिए नहीं दिया गया है. If it was like that, अगर ऐसा होता, we are a faulty design because the opening could be made over here and one small ढक्कन over here like that. ऐसा होता था कि यहाँ पे कुछ खुला रहता था, यहाँ पे उस पर छोटा सा ढक्कन रहता था, like खोल देते. It's like petrol tank, you know, like and all the biscuit and everything would go. Roti, everything would have gone over here. और सारा रोटी बिस्किट सब कुछ यहाँ से चला जाता. Why so much of, you know, why like that? Like और क्यों इतना घुमा फिरा के? Going from here. और यहाँ से जाता है. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? You know, God would have increased some acid capacity and tuk and say like that. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? But your mouth was given to speak. What speak? Speak the plans of God into existence. आपका मुंह दिया गया है कि आप बोले. क्या बोले? आपको परमेश्वर की योजनाओं को अपने अस्तित्व में बोलना है. Speak a blessing over your family. अपने परिवार पर आशीष को बोलिए. Write this down. लिख लीजिए. Your confession. आपका अंगीकार. Your speaking. आपका बोलना. And deliverance are connected. और छुटकारा दोनों जुड़ा हुआ है. Write this down. लिख लीजिए. You see many people. आप देखते बहुत सारे लोग. They are not delivered. वे छुटकारा नहीं पाए हुए हैं. Maybe you're trusting God for a job. हो सकता है परमेश्वर भरोसा कर रहे हैं नौकरी के लिए. Everybody in the church, everybody around you is saying, oh, this happened and I got it. And that very person not receiving anything. और देखिए आपके गली से आपके आसपास हर एक व्यक्ति जो है उसे छुटकारा मिल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति देखिए उसे कुछ नहीं मिल रहा. Maybe you're praying God for some demonic deliverance. हो सकता है आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ शैतानी शक्तियों से छुटकारे के लिए. And others are like, talk, talk, और दूसरे लोग बस यूं ही ग्रहण कर रहे हैं. And you're not receiving it. और लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पा रहे. It could be. ये हो सकता है. That because you are speaking wrongly. आप गलत तरीके से बोल रहे हैं इस वजह से. Say it after me. My confession. सभी लोग कहें मेरा अंगीकार. And my deliverance. और मेरा छुटकारा. Are connected. जुड़े हुए हैं. Go to Mark 7:29. और चलिए निकालें मरकुस का सातवां अध्याय 29वां वचन. You see, many people they are always perpetually in depression. और देखिए बहुत सारे लोग देखते हैं कि वह लगातार तनाव में बने रहते हैं. Now I can understand certain things happen and people. समझ सकते हैं कुछ चीजें हो जाती हैं तो. Don't get me wrong. गलत मत समझिएगा. Then Jesus said to the woman or to her. यीशु ने उस औरत से कहा. For this saying, क्योंकि तू ऐसा बोला. Because you spoke in this manner, go your way. The demon has gone out of your daughter. क्योंकि तूने ऐसा बोली, इसलिए घर चली जा, तेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकल गई है. Something that she spoke. कुछ तो उसने बोला. Touch the heart of God. जिसने परमेश्वर के दिल को छू लिया. And her daughter was not even in the meeting. और उसकी बेटी सभा में आई भी नहीं थी. Her son had not come to the meeting. उसका बेटा सभा में आया भी नहीं था. Her husband had not even come to the meeting.
पति सभा में आए भी नहीं थे. And Jesus said, और यीशु ने कहा, because you spoke in this manner, क्योंकि तूने इस तरीके से बोला, go to Kalina, I mean go home, okay, Kalina, घर जाओ, go to Bandra, बांद्रा जाओ, take your own name of your, go to Chembur, somebody, अपना खुद का नाम लीजिए इस समय, कोई चेंबूर जाए, there is deliverance happening in your house, आपके घर में छुटकारा हो रहा है. Say the spirit of the Lord is upon me. बोले प्रभु का आत्मा मुझ पर है. The spirit of the Lord is moving upon my family members. प्रभु का आत्मा मेरे परिवार के लोगों पर मंडरा रहा है. And Jesus is saying today. और यीशु कह रहा है आज. Because you said like this. क्योंकि तुमने ऐसा बोला. Your children are getting free from addictions. आपके बच्चों को छुटकारा मिल रहा है व्यसनों से. Your deliverance. आपका छुटकारा. Is connected. जुड़ा हुआ है. To your speaking. आपके बोलने से. क्या पास्टर? तंबाकू छूटता ही नहीं है. वैलिड वैलिड स्टेटमेंट बॉस वैलिड. दे वांट टू लीव इट. देखिए वो छोड़ना चाहते हैं. पास्टर क्या करूं? पबजी छूटता नहीं. ओके. पीपल आर एडिक्टेड. लोग इसके नशे में हैं. सम लेडीज आर एडिक्टेड. सम सिस्टर्स एडिक्टेड. कुछ महिलाएं कुछ बहन उसके व्यसन में पड़ी हुई हैं. वन डे आई कॉट वन सिस्टर प्लेइंग दैट सम बॉल गेम. व्हाट इज दैट? कैंडी क्रश. So took something goes like that, you know. I asked her, what nonsense? What are you doing? ये क्या कर रही हो तुम? Pastor, nothing to do, na? I said, nothing to do. कुछ नहीं ना करने के लिए. Come to the office, I'll give you work. I said. So you see, there are people addicted. तो आप देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे व्यसन में पड़े होते हैं. And you see, they want to be delivered. और देखिए वो छुटकारा पाना तो चाहते हैं. But they don't know how to be delivered. लेकिन नहीं जानते कैसे छुटकारा पाया जाता है. Come on, somebody say, Christ's power is manifesting in my body. Therefore, I will not be under any kind of bondage in Jesus' name. Open your mouth and say it. और प्रभु को बोलिए कि मसीह की सामर्थ मेरे शरीर में प्रकट हुई है. इसीलिए मैं किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहूंगा. Christ was manifested to destroy the works of the devil. Christ's power is being manifested in my body. So no, I will not be under any bondage in Jesus' name. मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे. इसी वजह से मैं किसी प्रकार के बंधन में व्यसन में नहीं रहूंगा यीशु के नाम में. I want you to get this in your spirit. मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी आत्मा में ले लें. Some of you addicted to alcohol. आप में से कुछ लोग शराब के व्यसन में फंसे हुए. Without Johnny you cannot go to sleep. Johnny के बिना आप सो नहीं पाते. I mean Johnny Walker, okay? और मेरा मतलब है जॉनी वॉकर. See, till I don't take a shot, I can't sleep, you know. And I'm not against, I'm not criticizing or condemning you. देखिए मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा, आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ. But the truth is, लेकिन सच्चाई है, Johnny Walker doesn't give you sleep. Johnny Walker आपको नींद नहीं देता. Bacardi doesn't put you to sleep. और Bacardi आपको सुलाता नहीं है. The Bible says, Bible कहती है, the Lord gives me good sleep. प्रभु मुझे अच्छी नींद देता है. So you must lift your hand and say, in the name of Jesus. आपको अपने हाथ यीशु के नाम में. It is the Lord who gives me good sleep. वही वो प्रभु है जो मुझे अच्छी नींद देता है. He gives me restful sleep. वो चैन से भरा नींद मुझे देता है. This is not my portion. Be cut off in Jesus' name. ये मेरा हिस्सा नहीं है. काट डाला जाए यीशु के नाम में. What happens? क्या होता है? You start suddenly say, अरे, I don't need this today. अचानक आपके लगे, अरे मुझे आज इसकी ज़रूरत नहीं है. Today, Pastor spoke. I don't think I need this anymore. Oh, मुझे नहीं लगता आज मुझे इसकी ज़रूरत है. And suddenly, और अचानक, now you're not touching it anymore. अब आप उस चीज़ को छू ही नहीं रहे. How many receiving right now? कितना ग्रहण कर रहे हैं? You addicted to smoking. आप धूम्रपान के व्यसनी हैं. Today, आज, you must take out the cigarette. आज आपको सिगरेट निकालना है. Put it down. नीचे फेंकना है. In रंगशारदा. रंगशारदा में. Don't pick it up again, okay? फिर से मत उठाइएगा उसे, ठीक है? Okay. You pick it, put it down. नीचे फेंक दीजिए. And say, my body. और आपको कहना है मेरा शरीर. Is a temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर है. This smoke cannot live in my body. और ये धूम्रपान, ये धुआं जो मेरे शरीर में नहीं रह सकता. I don't need this. मुझे इसकी जरूरत नहीं है. Anymore. अभी से. God is my portion. परमेश्वर ही मेरा हिस्सा है. Give Jesus a shout of praise. चलिए यीशु को ताली की भेंट चढ़ाएं. You start speaking like this. इस तरह से आप बोलना शुरू करें. You will see deliverance happening in your life. आप देखेंगे आपके जीवन में छुटकारा होता चला जाएगा. And because of the deliverance, और छुटकारे की वजह से, many other things will start happening. और दूसरी सारी चीजें भी होने लग जाएंगी. Money will start flowing. पैसे आने लगेंगे. You know, things will start happening. चीजें होने लगेंगी. This deliverance is important for you. और ये छुटकारा आपके लिए बहुत अहमियत रखती है. Because of this, many other things are blocked. और इसकी वजह से बहुत दूसरी सारी चीजें अटकी पड़ी हैं. It's like a stone in a pipeline, you know. और जैसे कि ये पाइपलाइन में पड़ा हुआ है कोई पत्थर है. You remove the stone. आप पत्थर को हटाते हैं. And the water starts flowing. और फिर पानी बहने लग जाता है. May the river of the anointing of the Holy Spirit flow today in your life in the name of Jesus. Lift your hand and say, Lord, do it for me in Jesus' name. पवित्र आत्मा के अभिषेक की नदी आपके जिंदगी में बहने लग जाए आज से यीशु के नाम में. अपने हाथ लगाकर बोलिए, प्रभु कर मेरे लिए ऐसा यीशु के नाम में. You know, many people saying like this, no? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा. तू जा यार, दिमाग खराब मत कर. कुछ भी बोलता तुम मुझसे. Your brain is a super computer. आपका दिमाग जो है ना वो सुपर कंप्यूटर है.
Whatever happens in your life is because of your thinking. जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है आपके सोच विचारों की वजह से है. You are cursing your thinking? आप अपने सोच विचारों पर शाप दे रहे हैं? No. Put your hand and say, I have the mind of Christ. अपना हाथ रखकर कहें, मेरे पास मसीह का दिमाग है. Say every bad memories be replaced. बोलिए हर एक बुरी याददाश्त बदल दी जाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Every scars on my mind be healed in the name of Jesus. मेरे दिमाग में से मेरे मन में से हर एक निशान जो है चंगे हो जाए यीशु के नाम में. My mind is working properly. मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. बोलिए Hallelujah. I cover my thoughts with the blood of Jesus. मैं अपने सोच विचारों को ढकता हूँ यीशु के लहू से. I have the attitude of Christ. मेरे पास मसीह का रवैया है. You know, Philippians says, "Let this mind which was in Christ Jesus be in you." The mind of Christ Jesus is in me. The right attitudes are in me. Come on, somebody say Hallelujah. पत्री कहती है कि मसीह का मन यही मन तुम में हो. मसीह का मन आपके अंदर है. सबको बोलना है Hallelujah. Every day I say this. हर दिन मैं ये कहता हूँ. Don't say words like this. और ऐसे ही बेतुका के शब्द मत बोलते रहें. You know, all this Bollywood dialogues, don't speak it. और ये Bollywood का सारे dialogue बोलते मत रहें. दिमाग का धाई and दिमाग का वड़ा and all that stuff. It sounds good. ये सुनने में अच्छा लगता है. Spiritually, it's a disaster. लेकिन आत्मिक तौर पे एक बहुत बड़ी तबाही है. जा रे दिमाग का धाई मार. तू क्या वड़ा पाव का स्टॉल खोला है क्या रे? दिमाग का धाई, दिमाग का फालूदा. No. Don't speak like this. ऐसे सब बातें मत बोले. Don't speak it in this manner. इस तरह से नहीं बोलना. Your mind can access the things of God. आपका दिमाग आपका मन जो है परमेश्वर की चीजों तक पहुंच सकता है. Somebody receive this in Jesus name. कोई तो ग्रहण करे इसे यीशु के नाम में. Say my mind is thinking the thoughts of Jesus. आपको कहना है कि मेरा मन मेरा दिमाग जो यीशु की चीजों के बारे में सोचता है. Creative ideas are coming to me in Jesus name. सृजनात्मक योजनाएं मेरे पास आ रही है यीशु के नाम में. Somebody lift your hand and shout hallelujah, receive it. अपने हाथों का चिल्ला हालेलुया ग्रहण करें. Even over your children, you can lay hands on their mind. और जो छोटे बच्चे आप भी उनके ऊपर हाथ रख सकते हैं. Lay your hands on their minds and say, My children, they have creative power. My children have good memory power. Speak it over your children. आपको अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के कहना है कि मेरे बच्चों में मसीह का मन है. उनके पास अच्छी याददाश्त है, अच्छी सामर्थ है. ये देख आया देख येड़ा आया देख येड़ा आया देख. किधर है रे येड़ा? अगर वो येड़ा है तो बड़ा येड़ा है फिर. Don't speak like this. ऐसा मत बोलिएगा. Don't speak like this. ऐसा मत बोलिएगा. Don't speak nonsense over your children. अपने बच्चों पर कभी भी कोई बेवकूफी की बातें मत बोलें. Don't speak nonsense over your family members. अपने परिवार के लोगों पर बेवकूफी मत बोलें. Your healing. आपकी चंगाई. Is connected. जुड़ी हुई है. To your mouth. आपके मुंह से. How many of you say amen to that? कितने कहते हैं amen इसके लिए? Let me show it to you. मुझे दिखाने दीजिए. I will give you some different scripture which God showed me. कुछ अलग अलग. Go to Proverbs 16 and verse 24. निकालिए नीति वचन का अध्याय 16 उसका 24वां वचन. Pleasant words. I like a honeycomb. Oh, मन भावने वचन जो होते हैं मधु भरे छत्ते के जैसे होते हैं. क्या बात है. Sweetness to the soul. प्राणों को मीठे लगते हैं. It will never make you diabetic. Okay. ये कभी आपको मधुमेह का रोगी नहीं बनाएगा. Sweetness to the soul. प्राणों को ये बहुत मीठे लगते हैं. And health to the bones. Can you tell me what is health to the bones? The और हड्डियों के लिए स्वास्थ्य बनती है. You are speaking. आप जानते हैं हड्डियों के लिए स्वास्थ्य क्या है? आपका बोलना. Everyone says speaking. सभी लोग कहें बोलना. Yes. You know, call your children. अपने बच्चों को बुलाएं. And say, I bless you. और अब कहना मैं तुम्हें आशीष देता हूँ. With wealth and riches. धन दौलत संपत्ति से. In Jesus name. यीशु के नाम में. Can you do that? क्या आप ये कर सकते हैं? Yes. जी हाँ. I tell you. मैं कहता हूँ. Your children will go. आपके बच्चे एकदम बुलंदी की ओर जाएंगे. There is power in blessing. और सामर्थ है आशीष देने में. You know, Paul, he always said to for his leaders, you know, his leaders were not the best. और देखिए पौलुस हमेशा अपने अगुओं से कहते थे और उनके अगुए जो थे अच्छे लोग नहीं थे बेहतरीन नहीं थे. In Jesus's 12, there was one Judas. और यीशु के 12 में से देखो आप देख सकते हैं उसमें एक यहूदा था. All leaders will not be good. और सभी अगुए जो है अच्छे नहीं होते. You see, a shepherd pursues his sheep. और देखिए एक जो गड़रिया होता है ना अपने भेड़ के पीछे जाता है. 99 sheep he left and he went after one sheep. He went और 99 को एक और रख के वो पिछड़ा हुआ एक को ढूंढने गया. But how Paul spoke about his leaders? लेकिन पौलुस ने देखिए अपने अगुओं के बारे में कैसे बताया. Father, पिता, I thank you for all my leaders. मैं धन्यवाद करता मेरे सभी अगुओं के लिए. Leaders, अगुओं, you know sometimes we get hurt. कभी-कभी देखिए हमें ठेस लग जाती है. What man, I told you to do it. Why didn't you do it? And क्या मैंने तुम्हें कहा था ये करने की तुमने क्यों नहीं किया? And they will act something like crazy sometimes. और कभी-कभी पागलों जैसा बर्ताव करेंगे. Your downline people. आपके अधीन में जो लोग हैं वो लोग. You know, people when your leader calls you. और
लोगों सुनिए, जब आपका अगुवा आपको कॉल करता है, इफ यू आर बिजी इन द राज्यसभा और द लोकसभा, अगर आप राज्यसभा या लोकसभा में बिजी हैं, व्हेन यू गेट आउट ऑफ द सभा, जब आप उस सभा से बाहर आते हैं ना, रिटर्न अ कॉल ना, कम से कम वापस एक कॉल तो करो ना। टेल योर नेबर से, मंत्री समझ में आना तेरे को, अपने बड़ों से बोले मंत्री जी समझ में आ गया ना आपको। सी व्हेन समबडी कॉल्स यू, देखिए जब कोई आपको कॉल करता है, वी हैव द कर्टेसी टू रिस्पॉन्ड टू द कॉल, इतना अच्छा व्यवहार दिखाएंगे कम से कम कॉल तो करें या रिस्पॉन्ड करें। Don't speak rot. कुछ भी घटिया और ऐसी चीजों को मत बोलिए। Don't speak. You know, so you're in the line, you're in the queue. देखिए मान लीजिए आप कतार में खड़े हैं। Something's happened. और कुछ चीजें हो जाती हैं। Learn to speak right. अच्छी और सही बातें बोलना सीखो। How many understanding what I'm saying? इधर समझ रहे हैं? Bosses. जो बॉस लोग हैं। Especially those who are in leadership have businesses. Don't say my staff ना एकदम कचरा staff है। जो अगवापन में है, जो व्यवसाय में, ऐसा मत बोलिएगा कि मेरे स्टाफ के लोग कचरे लोग जैसे लोग। God has given you the right people. परमेश्वर आपको सही लोग दिए हैं। Come on somebody. Come on somebody. चले कोई तो बोले। Or you can pray like that. Father, I thank you for this staff, Lord. But Lord, you're bringing even some better staff members. Huh? या फिर आप कह सकते हैं कि पिता धन्यवाद स्टाफ के लोगों के लिए, लेकिन आप इनसे भी बेहतर ला सकते हैं स्टाफ के लोग। Put it up right now. Now those who are sick. और जो बीमार हैं। Don't wait for the pastor to lay hands on you only on the Sunday. और इस इंतजार में मत रुके रहें कि सिर्फ रविवार को पासवान जी अपने आप पर हाथ रखेंगे बस। There were two people. देखिए दो लोग थे। In one hospital bed. एक अस्पताल के। This really happened. And we'll pray now. यकीनन हुआ है। Both of them had hip injuries, so they could not move. और दोनों के देखे कमर में चोट मार लगी थी जिसके वजह से हिल नहीं पाते थे। Now there were two people in one small room in the hospital. और अस्पताल के एक छोटे से कमरे में दो लोग थे। And this fellow. और ये मरीज। He had a window. उसके पास एक खिड़की थी उसके सामने। He would look out of the window. और खिड़की के बाहर देखता। And he would say. और कहता। Wow, what a beautiful lake, you know. और कितना खूबसूरत झील है ये। What mountains, wow. कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ। And what birds are flying. और कितने कैसे देखो पंछियां उड़ रहे हैं। Now this fellow, he was just like that, you know. और ये मरीज बस ऐसा पड़ा हुआ था। And he said. और ये कहता। Lucky that fellow is, you know. बहुत खुशनसीब है ये। I can only see the ceiling. मुझे तो सिर्फ छत दिखाई देता है। And he always wanted to be there. और हमेशा चाहता था वहाँ होए। He would say, let this fellow die. और वो कहता था ये आदमी मर जाए। I want to go there. मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। But now in his heart. लेकिन उसके दिल में अब। He wants to see that lake. वो झील वो देखना चाहता था। He wants to see that thing. उस चीज को देखना चाहता था। And he would pray, God, I want to see that lake. और वो कहता था परमेश्वर मैं उस झील को देखना चाहता हूँ। What is he listening to? His words. What a beautiful lake. और क्या वो सुन रहा था कि उसके कहे हुए शब्द वो मरीज जो कहता था कितना खूबसूरत झील है। What a beautiful mountain. कितने खूबसूरत पहाड़ है यहाँ। Wow, what a scenery. और कितना अच्छा नजारा है ये। And I don't know what happened, but क्या हुआ पता नहीं। Passed away. वो मरीज का देहांत हो गया। But now this fellow. लेकिन अब ये व्यक्ति। He's now all his vital signs and all are becoming better and better. और देखिए उसके शरीर के जो भी अंदरूनी प्रक्रिया आज बेहतरीन होती चली गई। And the doctor said. अभी डॉक्टर ने कहा। Now you know your legs and all started little problems and now okay no problem. तुम्हारी टांगें अच्छे से काम कर रही हैं। But you can walk with a walker. We are that person you know last night he passed away. और वो मरीज जो था ना पिछली रात उसका देहांत हो गया। And he said yes. और उसने कहा हाँ। Now I'll get to see. अब मैं देखूंगा। So they shifted him down. तो उसको वहां पर उन्होंने रखा। And guess what? उसको चेक करा। He looked out of the window. और बाहर देखा उसने। There was a wall over there. वहां पर एक दीवार थी। He was so angry. बहुत ही गुस्सा हुआ वो। He said the fellow is a madman. और वो मरीज जो था वो पागल था वो। He cheated me. धोखा दिया मुझे उसने। He was very angry. I'm sir. बहुत ही गुस्सा हुआ। That night. उस रात। God spoke to him. परमेश्वर ने बोला। And said, son. बेटे। You prayed for him to die. तुमने प्रार्थना किया उसके लिए मरने को। And you cursed him. और तुमने उसको शाप दिया। But he. लेकिन वो। He gave you hope. उसने तुम्हें आशा दी। you wanted to see that lake. वो चाहता था कि तुम उस झील को देखो। You wanted to see this mountain. तुम उस पहाड़ को देखना चाहते थे। And with that hope, with those words. और उस आशाओं के साथ, उन शब्दों के साथ। You got well. तुम ठीक हो गए। And within some days you're going to be discharged. और कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिलने वाली है। He cried. वो रो पड़ा। My friends. दोस्तों। This is the power of words. ये है शब्दों की सामर्थ। This is the power of words. Look at. ये है शब्दों की सामर्थ। Pleasant words. मनभावने शब्द। Like a honeycomb. ये मधु भरे छत्ते जैसे हैं। Don't speak rot. कुछ भी बेतुका मत बोलिए। Yes, people will make mistakes. जी हाँ, लोगों से गलतियाँ होंगी। Don't you make mistakes? क्या आप गलतियाँ नहीं करते? Are you God? क्या परमेश्वर है? God is God. परमेश्वर परमेश्वर। We all make mistakes. हम सबसे गलतियाँ होती हैं। किसकी गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं और तुम्हारी नहीं दिखती? क्योंकि तू अच्छे से छुपाता है। तू गया था, हाँ, लेकिन क्या?
see some people know to, you know, butter it up and everything, you know. और देखिए कुछ लोग जो है उस पर अच्छे से मक्खन पॉलिश करना जानते हैं. But some people are like dumb sheep, you know, don't speak like that. ऐसा सब नहीं बोलना आपको. Be courteous. और अच्छे से बोलने वाले बने. People will follow you everywhere. लोग आपके पीछे आएंगे हर जगह. There is room for correction. और सुधार के लिए जगह है. There is room for rebuke. और फटकार के लिए जगह है. But let your mouth be like a sweet mouth. It will be like a life-giving well. आपका मुंह जो है मीठे शब्द बोलने वाला मुंह बने और ये जीवन दायक कुआं बने. जो बीमार है, must lay hands on your body. आप अपने शरीर पर हाथ रखना है. And say in the name of Jesus. आप कहना यीशु के नाम. My body is healed. मेरा शरीर चंगा है. My body is becoming younger and younger. मेरा शरीर और ज़्यादा जवान जवान होता जा रहा है. No, really, it will work. जी हाँ, ये काम करेगा. It is in the word. ये वचन में है. Say my youth is being renewed like the eagle. Hallelujah. वो कहना है मेरी जवानी जो है उकाब के जैसा नया होता जाता है. Mark my words what I'm saying today. देख लेना जो मैं कह रहा हूँ आज. People will come to you in 2020 and they'll ask you what cream are you applying. लोग 2020 में आपके पास आकर पूछेंगे कौन सा क्रीम आप लगाती हो. You should say Holy Ghost cream. Hallelujah. कहना है पवित्र आत्मा का क्रीम. Hallelujah. Are you receiving it somebody? क्या ग्रहण कर रहे कोई तो?